हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ वो सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर वही होते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं टॉप MNCs में काम करना, तो इसलिए जब जब टाइम मिलेगा इस तरह के अगर मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव होते हैं तो मैं वो वीडियोज़ भी शेयर करूँगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और पूरा क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ई लिटमस, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सुना ज़रूर होगा जो बीटेक कर चुके हैं या कर रहे हैं, और नहीं सुना है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बिकॉज इस तरह की जो भी MNCs हैं, चाहे वो एक्सेंचर है, IBM है, HP है, एन हैविट है, आपको माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इस तरह की जो भी टॉप MNCs हैं, अच्छी MNCs, ये सब हायर करती हैं एक कंसल्टेंसी के थ्रू, विच इज़ अ ई लिटमस। ई लिटमस क्या है? कंसल्टेंसी है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उस एग्ज़ाम में अगर आपका अच्छा परसेंटाइल होता है, जैसे सपोज 75% से अबव है, और आपका जो स्कोर कार्ड होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो जब आपका 75% आपका स्कोर होगा तो इस तरह की MNCs आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। और ई लिटमस में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं जो एक्सेंचर का ऑफ कैंपस ड्राइव होने वाला है। ये होने वाला है 27th अक्टूबर 2018 से स्टार्ट होगा, अलग अलग सिटीज़ में होगा, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, और जो 2018 पास आउट है उनके लिए ही सिर्फ हो रहा है ये। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस हैं 2016 पास आउट, 2017, उनके लिए भी इस तरह के ऑफ कैंपस ड्राइव होते रहते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने ई लिटमस का एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो ई लिटमस का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। बिकॉज देखिए क्या है कि जैसे CS और IT के अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम आती हैं, या तो रिसर्च फील्ड में आएंगी तो वो भी परमानेंट नहीं आती, टेम्प्रेरी बेसिस पे आती हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं इस तरह के MNCs में काम करना। और अगर फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात की जाए, करियर ग्रोथ की बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत अच्छी करियर ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं, सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पर करियर ग्रोथ ऑब्वियस है गवर्नमेंट जॉब के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है और कब कब है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए, लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 26 अक्टूबर 2018। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले समझ लीजिए क्या है। BE, BTech और MCA, CS में हो, IT में हो, या सर्किट ब्रांच में हो। ग्रेजुएटेड इन एकेडमिक ईयर 2018। एग्रीगेट 65% मांगा है या फिर उससे अबव, और 7.25 CGPA। अब देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो CS IT से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे EC हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इस तरह के ब्रांच वाले। आपको क्या करना है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ई लिटमस का एक बार एग्ज़ाम देना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दीजिए। उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपका 75% या 80% स्कोर हो गया तो वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। और इसमें ऑलमोस्ट ई लिटमस के थ्रू बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं, और अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे elitmus.com, वहाँ पर आप अपकमिंग जॉब्स देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी सारी कंपनीज हैं जो जिनका ऑफ कैंपस चल रहा है। सिर्फ अकेले एक्सेंचर ही नहीं है, और बहुत सारी iQuanti है, और आपका रिबन है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका अभी ऑफ कैंपस चल रहा है। तो अगर आप EC ब्रांच से बिलोंग करते हैं, अब यहाँ पर इन्होंने CS मांगा, IT मांगा, सर्किट ब्रांच, अब सर्किट ब्रांच कौन सी हो सकती है, सर्किट ब्रांच में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो EC वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ और ब्रांचेज होती हैं जो बचती हैं, अब जैसे उनके लिए यहाँ पर नहीं है एक्सेंचर वाले, उनको नहीं ले रहे हैं, एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ई लिटमस का एग्ज़ाम देते हैं तो आप और बहुत सारी टॉप MNCs हैं जो हायर करती हैं, इलेक्ट्रिकल मांगती हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मांगती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मांगती हैं, तो आप वहाँ के लिए भी एलिजिबल हैं। और देखिए इसमें और क्या बोला गया है, नो एक्टिव बैकलॉग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू एक्सेंचर, यानी कि करंट में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 1 साल का ईयर गैप आपका होना चाहिए, 1 ईयर का गैप होना चाहिए एजुकेशन में,
पोस्ट टेंथ स्टैंडर्ड टिल कम्प्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब कि टेंथ ट्वेल्थ के बाद अगर आपने एक साल का गैप लिया है, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी है, उसके बाद इंजीनियरिंग कम्प्लीट करी, तो वैलिड है, एक ही साल का गैप वैलिड है, दो साल का नहीं वैलिड है। इसके अलावा देखिए क्या होता है, ये सारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ये टॉप एमएनसीज के, ये ई लिटमस के थ्रू हायर करते हैं। अब आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आप अगर ई लिटमस का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इसका आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ई लिटमस एक कंसल्टेंसी फर्म है, ये क्या करती है, ये एक प्लेसमेंट टेस्ट कराती है, इनका टेस्ट होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या प्रोसेस है। देखिए एप्लीकेट जो इसका एग्ज़ाम होता है उसकी फ़ीस है 920 रुपीज़, रिसेंटली जो अभी जो लेटेस्ट फीस है वो इतनी है 920 रुपये, और एक मंथ में 4 या 5 बार ये एग्ज़ाम होता है, हर अलग अलग सिटी में होता है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सब कुछ मैंने बता दिया, इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, आप वहाँ पर सब कुछ चेक कर सकते हैं। अपकमिंग एग्ज़ाम्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं, किस किस सिटी में, झांसी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, सब छोटी छोटी सिटीज़ में भी होता है, सब जगह होता है, और एक मंथ में 4 या 5 बार एग्ज़ाम होता है। तो आपको क्या करना है, आपकी इनकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अप्लाई करना है। आप इसके लिए जो फीस सबमिट करेंगे या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, 920 रुपये फ़ीस है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम में क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम दैट कैन असेस द रियल पोटेंशियल ऑफ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक बी बीटेक, एमसीए, एमबीए। आपके पास एक्सपीरियंस होल्डर हैं तब भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। फ्रेशर हैं तब भी दे सकते हैं, 2016 पास आउट हैं तब भी दे सकते हैं, 2017 पास आउट हैं तब भी दे सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए इसका जो पैटर्न होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपका 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। सब में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 इसमें भी आते हैं, 20 इसमें भी आते हैं और 20 इसमें भी आते हैं, और सबका एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल ये जो आपका होगा 200 मार्क्स का, इंग्लिश भी आपका 200 मार्क्स का और रीजनिंग भी आपका 200 मार्क्स का। आपको एक बार फीस सबमिट करनी है, और आप अगर एक बार नहीं अच्छा स्कोर आता है आप इसके बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, बिकॉज कैट लेवल का ये एग्ज़ाम आता है, अच्छा एग्ज़ाम होता है, और सिर्फ क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग आती है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद आपका अगर अच्छा परसेंटाइल आ गया 2 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड होता है, फिर आपके पास जो भी टॉप एमएनसीज़ हैं ये लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, इंटरव्यू का कॉल आता है। अगर आप सीएस और आईटी ब्रांच से हैं तो इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये ई लिटमस। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एक एमकैट होता है, कोक्यूब्स होता है, उसमें इतना एमकैट का तो मैं नहीं रेफ़र करता हूँ, बिकॉज एमकैट में क्या है, जो कंपनीज़ आती हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर सैलरी पैकेज कम होता है, मतलब स्टार्टिंग पैकेज होगा 1.8 लाख पर एनम, लेकिन जो ई लिटमस के थ्रू हायर करते हैं यहाँ पर जो आपका सैलरी पैकेज स्टार्टिंग पैकेज होता है वो 3.20 लाख पर एनम, और आगे कितना भी हो सकता है, 6 लाख हो सकता है, 7 लाख हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, जब आप 1/4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, मतलब कि हर सेक्शन की बात की जाए, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट किए इसके बाद ही नेगेटिव मार्किंग काउंट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो कोशिश ये करिएगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो जो जो आपको आता है सिर्फ वही वही आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बाकी मत करिएगा, और इसका बेनिफिट आपको आगे ज़रूर मिलेगा। ये 2 साल के लिए ये आपका स्कोर वैलिड होता है, 2 ईयर्स के लिए। तो आप अगर ई लिटमस का एग्ज़ाम देते हैं, ई लिटमस का एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा परसेंटाइल आ जाता है आपके पास, फिर कुछ नहीं करना है, फिर आपको सिर्फ अपनी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या पूछते हैं, क्वांट्स पूछते हैं, इंग्लिश पूछते हैं और रीजनिंग पूछते हैं। इसके बाद जब ये आपका हो जाएगा, फिर जैसे सपोज़ एक्सेंचर ने आपको बुलाया इंटरव्यू कॉल के लिए, तब आपका एक दिन बुलाया जाएगा, आपका जो है टेक्निकल नॉलेज पूछी जाएगी, यानी कि टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है, आप एक तरह से बोला जाए तो अगर ये आपका क्वालिफाई हो गया तो इसके तुरंत बाद आपका एचआर राउंड होता है, और एचआर राउंड आपका क्लियर हो गया तो तुरंत का तुरंत उसी दिन आपको कॉल लेटर्स दे दिए जाते हैं, या बोल सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर, ये उसी दिन आपको दे दिया जाता है। टेक्निकल राउंड आपका क्लियर हुआ, इसके बाद एचआर राउंड पे जाना होता है, एचआर राउंड क्लियर हुआ तो उसी दिन आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है। तो जो भी अभी पास आउट हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक्सेंचर ने मांगा है 65% एग्रीगेट,
ये एक्सेंचर ने मांगा है, लेकिन मैं ये बोलूँगा ई लिटमस का एग्ज़ाम आप लोग दीजिए ताकि आपको फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो 60% भी मांगती हैं। ये एक्सेंचर का क्राइटेरिया, बाकी और कंपनीज़ का क्या होता है वो अलग अलग डिफरेंट होता है। तो आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं आप ज़रूर ई लिटमस का एग्ज़ाम दीजिए। बहुत सारी कंपनीज़, अगर अच्छा परसेंटाइल आपका आ गया तो बहुत सारी कंपनीज़ आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगी। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, मैंने इसका जो कुछ भी क्या बोलते हैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर है, ई लिटमस का प्रीवियस ईयर पेपर, और इसके साथ साथ जो भी इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, अपकमिंग एग्जामिनेशन सेंटर्स जो ई लिटमस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कहाँ कहाँ पर होंगे, किस किस सिटी में होंगे, किस किस दिन होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट करेंगे, वहाँ पर अभी रिसेंट पोस्ट यही पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर A to Z सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।